हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस P1 क्लर्क प्री 2018 के जो अपकमिंग एग्जाम है उन्हीं को टारगेट करके आज का लेसन प्रिपेयर किया गया है। आज के लेसन में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक डीआई है, एक लाइन ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है। लाइन ग्राफ में डे वन और डे टू दो दिन है जिनके स्पीड है ट्रेन की, ए बी सी डी ई पांच ट्रेन है और डे वन में उन पर्टिकुलर की क्या स्पीड है और डे टू में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड दी है और कुछ दो पर्टिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल है, एक्स टू वाई कोई डिस्टेंस है जो ट्रेवल करनी है उनको, और उन सब की इंफॉर्मेशन लाइन ग्राफ में दी है और टेबल में उनकी लेंथ दी है कि ए बी सी डी जो ट्रेन है उनकी लेंथ क्या है और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो ये साथ ही तो एक ही डी आई हो गया टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। साथ ही अगर इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने मिसलेनियस में आते हैं तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस होगी साथ। चलो सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ट्रेन डी ऑन डे वन एंड डे टू टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 500 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दे दी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 500 मीटर दे दी, क्योंकि 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को एवरेज टाइम क्या लगाएगा, ये ट्रेन कौन सी है डी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है डी की, देखिए आप 225 मीटर है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 500 प्लस 225। इन प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, जो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये 725 मीटर डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी है और आपको एवरेज टाइम चाहिए डे वन एंड डे टू का डी का। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप एवरेज स्पीड निकाल लो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, दो गुणा एस वन गुणा एस टू बटा एस वन प्लस एस टू, एस वन एस टू होगी आपकी डे वन और डे टू की स्पीड होगी एक तरह से। तो एवरेज स्पीड अगर मैं इसकी देखूं तो दो गुणा, आप अगर डे वन की देख रहे हैं तो डी की 200 है, 200 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे दिन की है 50 मीटर पर सेकेंड और दोनों का 200 प्लस 50 250 आ गया, तो 200 प्लस 250 अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 5 बार हो गया और इस 5 को करूं तो ये 40 हो गया, 40 हुआ 80 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो टाइम क्या आ जाएगा, एवरेज टाइम, टाइम एवरेज आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज। तो डिस्टेंस आपको पता 725 मीटर की ट्रेवल करनी है और ये 80 है, 8 9 72 अप्रोक्सीमेट है, तो 9 सेकेंड आपका आ जाएगा, 9 सेकेंड बी ऑप्शन देखें और टिक करते हैं। सेकेंड, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो आप दोनों दिनों का टाइम निकाल लें, टी वन जैसे डे वन का टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो वो ही ट्रेवल करनी है 725 बटे कितना डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो स्पीड कितनी होगी 200, तो ये कितना सेकेंड आ जाएगा, 200 को 700 को आधा करोगे 350 और ये 300 आई थिंक 62.5 हो गया क्या, 300 या 3.62 सॉरी, क्यों 200 से आप कर रहे हो तो दो सिफर ये यहां चला गया, 7 का आधा 3.5 और इसका 0.125 और तो 3.625 सेकेंड आ गया इस दिन। और दूसरे दिन क्या आ गया आपका, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करनी है और ये आ गया 50, तो 50 को आप इससे अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 14.5 सेकेंड। तो एवरेज टाइम क्या हो गया, एवरेज टाइम आपका आ गया T1 प्लस T2 बटे 2, तो 14 और 3 17 और 5 अच्छा 11 करीब करीब 18 बटे 2 और वही आ जाएगा आपका 9 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्या है, एट व्हाट स्पीड मस्ट ट्रेन सी ट्रेवल ऑन डे 2 such that it crosses the platform of 500 meter in half of the expected time. तो इसमें length of platform आपको दे दी कि 500 meter का एक platform है, C train है और C train की length of train कितनी है C के लिए 125 meter. तो ये C का जिक्र हो रहा है, तो distance travel total कितनी करनी है 625 meter. अब वो कह रहा है कि जो भी particular कोई C train है और day कौन सा है इसका, at what C on day 2. तो डे टू में आप देखोगे तो इसकी स्पीड कितनी है उस दिन 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब इसमें जो भी टाइम लगेगा वो कह रहा है कि उसको कितना एडवांस स्पीड मस्ट ट्रेन सी ट्रेवल कि उसको
आधा टाइम लगे। तो इसमें क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। भाई जितना टाइम स्पीड, हमेशा अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। तो वैसे तो इसको बिना सोल्व किए आपको पता है कि आधा टाइम लगने का मतलब उसको स्पीड, डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 70 मीटर पर सेकेंड है आधे टाइम के लिए, ये डबल हो जाएगा। तो 70 गुणा 2 140 मीटर पर सेकेंड से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल ट्रेन्स ऑन डे 1 इन किलोमीटर पर आवर। डे 1 की अगर आप देखेंगे तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इनको सबको जोड़ लो और इसमें 5 से भाग कर दो। तो डे 1 का 60 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 200 और प्लस 170। अब इनको जितना जल्दी आप जोड़ सकते हो और 5 से भाग दे सकते हो, तो आप इसमें जैसे अप टू 10 डिजिट एक साथ जोड़ो, 6 और 7 13, 13 10 23, 23 और 20 43, 43 और 7 50 और 10 60। तो इसका मतलब 600 तो एक आ गया और 5 और 5 10 और आ गया। अब आपको पता है कि इसको भी 5 से डिवाइड होना है, इसको भी 5 से होना है, तो 600 का 120 और 10 का 2 ये जुड़ गया, तो 122 मीटर पर सेकेंड। तो 122 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। अब किलोमीटर पर आवर और इसमें क्या होता है, एक किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करोगे, 122 गुणा 18/5, 18/5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। मतलब किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड में क्या होता है, भाई अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से कर देंगे। तो ये आप इसमें अब जितना जल्दी आप इसको कर सकते हो, अगर इसको आप, वैसे तो ये 3.6 होता है आपको ध्यान है राइट, तो 3.6 को इसको करोगे तो 122 को मैं 3 से करता हूं तो 366 तो एक आ जाता है। फिर ये 0.6 को 122 से करना है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट आपसे नहीं बढ़ रहा तो 120 से कर लो पहले, 12 6 72 और जुड़ेगा इसमें, और 2 से मैं और करूंगा तो 1.2 और जुड़ जाएगा बस। तो 36 और 47 430 और 438 439.2 439.2 किलोमीटर पर आवर ये उनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 439.2। इसमें देखो कोई है क्या, नन ऑफ दीज ऑप्शन राइट। देखो 429.2 दिया है, अगर आपने तसल्ली से ये नहीं किया तो एक बार फिर आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे, कैलकुलेशन चेक करेंगे और आधा टाइम वेस्ट कर देंगे। व्हाट विल बी द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी सी एंड डी ऑन डे 1। डे 1 में व्हाट विल द टोटल टाइम, मतलब क्या पूछा है, टाइम कितना होगा बाय ट्रेन बी सी डी डे 1 के लिए। डे 1 के लिए बी सी डी को कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ा। तो टाइम के लिए क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको बी सी डी इन सभी की स्पीड तो गिवन है लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो टाइम आप निकाल ही नहीं सकते, तो डाटा इनसफिशियंट पे टिक करें और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रेन ए फ्रॉम डे 1 टू डे 2। फ्रॉम किसके लगा, डे 1 की टू ट्रेन डी फ्रॉम डे 1 टू डे 2, ए और डी का। तो ट्रेन ए का अगर आप देखोगे तो ए में क्या है, डे 1 और डे 2 में, ए की डे 1 में स्पीड है 60, 60 से होगी 150, मतलब आपकी 60 से 150 होगी डे 1 में। एस 1 अगर मैं देखूं तो एस 1 थी 60 और एस 2 कितनी है 150, तो कितना हो गया परसेंटेज इंक्रीज, कितना हो गया परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, 60 150 माइनस 60 90 बटा 60 और गुणा परसेंटेज निकाल ले तो 100 से कर दो, 60 डेटा ये हो गया 150%। तो ये तो 150% का इंक्रीज आ गया। और दूसरा ट्रेन है आपकी डी, डी में आप देखोगे तो एस 1 क्या है डी की, डी की आपकी एस 1 तो थी 200 और एस 2 होगी 50, तो डिक्रीज है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज वही दोनों का डिफरेंस 150 बटा 200, रेफरेंस किसके, जिसके फ्रॉम लगा, लव एस 1 के, वही डिनोमिनेटर में आएगा, परसेंटेज निकाल ले उसको से गुणा कर दो, 100 दुआ 200 और ये 75% या, तो परसेंटेज डिक्रीज 75%। अब इन दोनों का रेशियो है तो 150 रेशियो 75, 2:1, तो 2:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 2:1 इसमें देख लो, ऑप्शन सी इज
राइट ऑप्शन। वैसे आपको देखते ही ये लगना चाहिए कि ये 60 था, 60 से 150 हुआ, मतलब कितना हो गया, ढाई गुना हुआ। ढाई गुना में से एक गुना तो वो खुद है, इंक्रीज डेढ़ गुना का हो गया, तो 150% हो गया ना। इसके अंदर आप देखोगे तो 200 से वो 50 हो गया, तो कितना रह गया, 75% रह गया भाई। इसके अंदर आप 200 को 50 लो, 150, 150 में से 150 बटा 200 और गुणा 100, तो 100 दो बार कट गया 75। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये जो क्वेश्चंस का लेवल है, हो सकता है आज के क्वेश्चंस का लेवल भी आपको बहुत हाई नहीं लगे, प्री में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सब टाइप के क्वेश्चन आपके किए हुए होने चाहिए। जैसे डीआई में जो एक सेट है भाई, रेशियो है, प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, उनसे भी परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, उसके अलावा भी डीआई बनती है, तो उनका भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। और इवन दूसरा जो मिसलेनियस टॉपिक पे जब भी डीआई आपकी आएगी, आई थिंक वो ज्यादा उसमें आपको कैलकुलेटिव, लेस कैलकुलेटिव होगी, हमेशा वो अटेम्प्ट करनी ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।